नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। पीएम नरेंद्र मोदी, शहडोल दौरे की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं क्योंकि पीएम आ रहे हैं। पकरिया गांव में युद्ध स्तर पर तैयारियां जारी हैं। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने गांव में डेरा डाल रखा है। प्रधानमंत्री का यह दौरा बेहद खास है। इस दौरे पर एमपी की आदिवासी संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी। पीएम मोदी यहां ठेठ देसी अंदाज में खटिया चौपाल लगाने वाले हैं। आदिवासी नृत्य के साथ पीएम मोदी का स्वागत होगा। पीएम मोदी यहां पारंपरिक भोजन भी करेंगे। चार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम का दौरा होने जा रहा है और उसी को लेकर किस तरह के व्यवस्थाएं हैं, इंतजाम हैं, ये आपकी टीवी स्क्रीन पर बिल्कुल पारंपरिक ढंग से मध्य प्रदेश के धरती पर स्वागत पीएम का होगा। स्वागत से लेकर भोजन की श्रृंखला तक, साथ ही साथ जहां संवाद का कार्यक्रम होना है, तमाम स्थलों की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन। शहडोल दौरे पर पीएम मोदी लखटकिया बहनों से चर्चा करने वाले हैं और पीएम मोदी स्वसहायता समूह के बहनों के साथ फुटबॉल क्रांति अभियान के खिलाड़ियों से भी मिलेंगे। इसके साथ ही पेशा समितियों के सदस्यों से भी पीएम मोदी बातचीत करने वाले हैं। बताया यह भी जा रहा है कि पीएम मोदी इस कार्यक्रम में बड़े ऐलान भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। शहडोल कमिश्नर राजीव शर्मा ने लालपुर और पकरिया गांव में व्यवस्थाओं के बारे में बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शहडोल दौरे को लेकर पूरा प्रशासनिक अमला तैयारियों में जुटा है। किस तरीके से पीएम मोदी 3 घंटे यहां पर बिताने का काम करेंगे, उस दौरान किस तरह की व्यवस्थाएं चाक चौबंद होंगी, उसको लेकर लगातार कोशिशें की जा रही हैं। तैयारियां पहले से थी लेकिन एक बार फिर युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे तो किसी तरह से कार्यक्रम में चूक ना हो, और इसकी जिम्मेदारी संभाल रखी है शहडोल कमिश्नर राजीव शर्मा जी ने। सर, हमने देखा यहाँ पर बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं। पहले भी पीएम मोदी के आने का कार्यक्रम था, वो टल गया। 1 जुलाई को पीएम आएंगे तो क्या कार्यक्रमों में कुछ और बदलाव किया जाएगा या जो पहले की पूर्व व्यवस्था थी उसी के तहत पूरे कार्यक्रम आयोजित होंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी 1 तारीख को आ रहे हैं तो केवल तिथि परिवर्तन हुआ है और कार्यक्रम वही रहेंगे। और जो यहाँ का जो जन समुदाय है उसमें भी बहुत उत्साह है और हमारे जो शासकीय विभाग हैं, चाहे वन विभाग है, पुलिस है, राजस्व है, ट्राइबल विभाग है, स्कूल शिक्षा है, खेलकूद विभाग है, एमपीईबी, हर विभाग ने अपना सर्वोत्तम प्रयास किया है कि मध्य प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो भ्रमण है वो अविस्मरणीय बने। 3 घंटे का कार्यक्रम, सर बहुत लंबा कार्यक्रम होता है जब प्रधानमंत्री किसी इतने बड़े कार्यक्रम में इतने लंबे समय तक रहते हैं, तो इन 3 घंटों के दौरान कौन कौन से कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे? मध्य प्रदेश देश का दिल है तो दिल के जो जितना करीब रहे उतना अच्छा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर जनजातीय समाज की लोगों से संवाद करेंगे, जो मुखिया हैं उनके हेडमैन हैं। इसके अलावा जो लखपति बहनाएं हैं जिन्होंने स्व सहायता समूह से जुड़कर और अपने पांव पर खड़े होने में सफलता पाई है तो उनसे संवाद करेंगे। फिर शहडोल संभाग के गांव-गांव में जो बच्चों ने फुटबॉल के प्रति जो अनूठा जुनून दिखाया है तो उस फुटबॉल क्रांति के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे जनजातीय बच्चों से चर्चा करेंगे और उसमें सभी समाज के बच्चे हैं वैसे फुटबॉल क्रांति में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 घंटे यहाँ पर बिताएंगे, ना सिर्फ वो फुटबॉल के खिलाड़ियों से चर्चा करेंगे, पैसा एक ही समितियों के सदस्यों के साथ उनकी चर्चा होगी, स्व सहायता समूह के साथ उनकी चर्चा होगी और उन्हीं के कार्यक्रम को लेकर यहाँ पर बड़े स्तर पर तैयारियाँ की जा रही हैं। हालांकि पिछली बार बारिश के चलते, हैवी रेन के चलते पीएम मोदी के कार्यक्रम को टाला गया था, लेकिन इस बार बारिश पीएम मोदी के कार्यक्रम में खलल ना डाले इसको लेकर भी यहाँ पर तगड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मिश्रा के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 शहडोल। शहडोल दौरे पर पीएम मोदी को देसी व्यंजन परोसे जाने हैं और प्रधानमंत्री आदिवासियों के साथ जमीन पर बैठकर पारंपरिक तरीके से भोजन करने वाले हैं। पकरिया गांव में दावत की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पीएम मोदी को परोसे जाने वाले भोजन का मेन्यू क्या होगा, ये जानने के लिए शहडोल एसडीएम से बात की हमारे संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव ने।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने शहडोल दौरे के दौरान 3 घंटे यहां पर बिताएंगे, लेकिन सबसे खास होगा कि पीएम मोदी यहां पर आदिवासियों के हाथों से तैयार किए गए व्यंजन को भी चखने का काम करेंगे। कोदो कुटकी जो कि आदिवासी फूड है, मिलेट्स जो जिसको प्रमोट एक तरीके से सरकार करने का काम कर रही है, और उसी से बने व्यंजन भी पीएम मोदी अपने शहडोल दौरे के दौरान चखने का काम करेंगे। मेरे साथ शहडोल के एडीएम मौजूद हैं। सर, किस तरीके से पीएम मोदी 3 घंटे यहाँ पर बिताएंगे, तो उनके भोजन को लेकर भी व्यवस्था की गई है, तो क्या आदिवासियों के साथ बैठकर उनका भोजन होगा और किस तरीके के व्यंजन परोसे जाएंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी का जब आगमन होगा तो सबसे पहले वो यहाँ पे, जैसा कि आप देख रहे हैं, खटिया चौपाल लगेगी। यहाँ पे वो 4 ग्रुपों के साथ संवाद करेंगे, जिनमें पेशा के लोग होंगे, हमारी समूह की लखपति बहनें होंगी, फुटबॉल खिलाड़ी और जनजातीय लोग। उनके साथ संवाद के उपरांत हमने ये व्यवस्था की है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय सीएम साहब और माननीय राज्यपाल जी, वो लोग यहाँ पे जो आप जगह देख पा रहे हैं, इस स्पॉट पे बिल्कुल पारंपरिक जनजातीय तरीके से जैसे भोजन किया जाता है, उस तरीके से उनको हमने भोजन कराने की व्यवस्था की है। और भोजन, उस भोज में इसी ग्राम पंचायत के कुछ जनजातीय लोग उनके साथ बैठकर भोज करेंगे, और जो भोजन बनाया जाएगा वो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप जो समूह की दीदियां होती हैं वही बनाएंगी, और बिल्कुल पारंपरिक तरीके से भोजन यहीं पर तैयार किया जाएगा। जो भोजन है उसका मेन्यू भी जो है बिल्कुल पारंपरिक रखा गया है, जैसे कि आपने भी बताया, कोदो भात होगा, गुटकी खीर होगी, मक्के की रोटी है, लाल भाजी है, चौराई भाजी है, और महुए का लड्डू है। तो जो बिल्कुल पारंपरिक जनजातीय भोज होता है, हम लोग प्रधानमंत्री जी को बिल्कुल हाथ से बनाया हुआ पारंपरिक भोज जो देसी तरीके से बनता है वो कराएंगे। उसके बैठने के लिए भी कोई खास इंतजाम मैंने किस तरीके बैठने के लिए भी बिल्कुल पारंपरिक तरीका, जैसे जनजातीय एक समाज जब खाता है अपने फंक्शंस में, तो बिल्कुल बिल्कुल पटरे हैं, उन पर माननीय प्रधानमंत्री जी के बैठने की व्यवस्था की गई। सब लोग उन्हीं पटरों पर बैठेंगे और बिल्कुल नीचे ज़मीन पर बैठ के पलथी मार के भोज का। तो ये रात्रि भोजन होगा या दोपहर का? ये शाम को संवाद के बाद जो भी समय होगा। तो प्रधानमंत्री अपने दौरे के दौरान यहाँ पर आदिवासी व्यंजनों को भी चखने का काम करेंगे, उनको वो तमाम आदिवासी व्यंजन परोसे जाएंगे जो आदिवासियों के हाथ से तैयार होंगे, और नीचे बैठकर ही पारंपरिक तरीके से पीएम मोदी इन व्यंजनों का स्वाद चखेंगे। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मिश्रा के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 शहडोल। और पकरिया गांव में पीएम मोदी की चौपाल भी लगने वाली है। आम के पेड़ के नीचे पीएम मोदी देसी अंदाज में आदिवासी स्व सहायता समूह पेशा एक्ट समिति के सदस्यों, फुटबॉल क्रांति अभियान के सदस्यों से चर्चा करने वाली। हमारे संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव ने शहडोल कलेक्टर वंदना वैद्य से तैयारियों को लेकर भी बातचीत की, सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहडोल में 1 जुलाई को पहुंचेंगे, और जहां पर उनका कार्यक्रम आयोजित होना है उस कार्यक्रम की भी मैं आपको तस्वीर दिखाऊं। खास आदिवासी तरीके से यहाँ पर कुछ सजावट की गई है, कुछ इस तरीके से डिज़ाइन तैयार की जा रही है, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर बैठेंगे। और इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो अलग अलग स्पॉट बनाए गए हैं जहाँ पर लखपति बहनें बैठेंगी। इसके अलावा जो फुटबॉल खिलाड़ी हैं, शहडोल का नाम अब फुटबॉल के नाम पर भी, फुटबॉल खेल के लिए भी पहचाना जाने लगा है, तो यहाँ पर फुटबॉल के जो खिलाड़ी होंगे उनके साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद होगा। इसके अलावा लाडली बहनाओं से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूबरू होंगे, और इसी तरीके से अलग अलग वर्गों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये चर्चा होगी। और शहडोल कलेक्टर वंदना वैद हमारे साथ मौजूद हैं, हम उन्हीं से जानेंगे। मैडम, अब तो पीएम मोदी को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन क्या यहां पर किस तरह की व्यवस्था है, कैसे पीएम मोदी किस तरीके से रूबरू होंगे? यहां पर आके जनजातीय संवाद के वरिष्ठ जनों से बातचीत होगी, संवाद होगा, और स्वसहायता समूह की महिलाएं हैं, और ये चूंकि आदिवासी जनजातीय जिला बाहुल्य जिला है, तो यहाँ पैसा एक्ट के जो समितियों के सदस्य हैं उनसे है, और हमारे यहाँ फुटबॉल क्रांति है, और हमारे यहाँ हर ग्राम पंचायत में फुटबॉल क्लब हैं, उस फुटबॉल क्लब के खिलाड़ी जो हैं राष्ट्रीय स्तर तक भी खेले हुए हैं, तो उनके जो प्रमुख कप्तान हैं उनके साथ एक संवाद होगा, और ये स्वाभाविक रूप से जो आम की अमराई है और ये गांव का स्वाभाविक रूप उनके लिए रखा गया है, और इस स्थान का चयन किया गया है, और इस स्थान से बैठ के वो 4 लोगों से संवाद करेंगे।
चलिए ठीक है, तो ये आम का पेड़ है, उसके नीचे पूरी की पूरी व्यवस्था यहाँ पर इस तरीके से जमाई गई है कि आदिवासी लुक में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है सीधे आदिवासियों से रूबरू करेंगे। लाडली बहनों के अलावा जो स्वसहायता समूह है, पैसा एक्ट जो लागू किया गया है उसका किस तरीके से क्रियान्वयन किया जा रहा है, किस तरीके से लाभ दिया जा रहा है, उसको लेकर भी पीएम मोदी सीधा संवाद करने का काम करेंगे। तो शहडोल में अब इंतज़ार किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जब शहडोल और उसके आसपास से लगे जो जुड़े आदिवासी समूह के लोग हैं वो पीएम मोदी से सीधे रूबरू होंगे। कैमरा पर्सन वीरम मिश्रा के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 शहडोल। इधर पीएम मोदी के शहडोल दौरे के दौरान सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम रखे गए हैं और प्रधानमंत्री की सुरक्षा में 17 आईपीएस अफसर, 4000 से ज्यादा पुलिस जवान तैनात रहने वाले हैं। एसपी जी ने लालपुर और पकरिया में होने वाले कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया है। पीएम मोदी के रात्रि विश्राम से लेकर वर्चुअल जुड़ने तक को लेकर तैयारियां की गई है। वाटर प्रूफ पंडाल इस बार बनाया गया है। पीएम मोदी का काफिला जहां जहां से गुजरेगा उस कॉरिडोर में किसी को गुजरने की इजाजत नहीं होगी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एडीजीपी डीसी सागर से बात की हमारे संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव। पीएम मोदी के शेड्यूल दौरे के दौरान देसी तरीके से पीएम मोदी का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, उसको लेकर यहाँ पर जो तैयारियाँ हैं वो भी पूरे देशी तरीके से यहाँ पर तैयारियाँ की गई हैं, जो सजावट की गई है। इसके अलावा जो अधिकारी हैं जो लगातार यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं उनकी एक बार फिर जिम्मेदारी हो गई है कि एक तारीख के कार्यक्रम को लेकर वो पूरी मुस्तैद नजर आए। सर, यहाँ पर हम देख रहे हैं पूरा प्रशासनिक अमला लगा हुआ है पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर, क्या ऐसा कार्यक्रम होगा 3 घंटे तक का उनका रुकने का कार्यक्रम, इस दौरान क्या व्यवस्थाएँ होंगी पूरी? ये बहुत ही हर्ष और गौरव का विषय है कि शेड्यूल में भारत के यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं 1 जुलाई को, और इस परिप्रेक्ष्य में जो पूरा प्रशासन है जिसके अंतर्गत रेवेन्यू डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी, पुलिस और भी विभाग आते हैं इसमें, ट्राइबल डिपार्टमेंट, उन सब ने एड़ी चोटी का जोर लगा, पूरी मेहनत से, पूरी मुस्तैदी से, एकजुट होकर एक टीम भावना के साथ में ऐसा परिदृश्य तैयार किया है कि सुरक्षा का जहाँ तक सवाल है कोई परिंदा पर भी नहीं मार सकता, कोई चूक का सवाल नहीं उठता, क्योंकि सभी अपनी अपनी जवाबदारी समझ रहे हैं। यहाँ पर लगभग 4000 का बल बाहर से आया है माननीय डीजी साहब के निर्देश अनुसार, और लगभग 15-16 आईपीएस अधिकारी हैं और भी उनके अधीनस्थ कर्मचारी यहाँ पर आए हुए हैं। सबको मालूम है कि ये वीवीआईपी ड्यूटी उनकी ज़िंदगी का एक तारीख है, उनकी ज़िंदगी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ड्यूटी है। और कल मैंने उनकी ब्रीफिंग ली थी तो उसमें पता चला कि जो हमारे जवान अधिकारी हैं उनमें उत्साह का जो लेवल है, उत्साह का जो स्तर है वो चरम सीमा पर है, और मुझे उम्मीद है कि सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। कितने लोग जुटेंगे सर इन 2 कार्यक्रमों की यदि हम बात करें, पकरिया और लालपुरा की? पुलिस का ज़्यादातर सवाल है और उसमें पुलिस जो है अलग अलग जिलों से आई है, तो जो पुलिस के जो कुशल हमारे जो अधिकारी कर्मचारी हैं कुल मिलाकर 4000 करीब हैं ये, और सभी पूरी तरह से मुस्तैद हैं अपनी अपनी ड्यूटी को यहाँ परवान चढ़ाने के लिए, कर्तव्य परायणता का परिचय देने के लिए, और सब में इस बारिश को देखते हुए, इस मौसम को देखते हुए उत्साह में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, और सब इस बात को लेकर खुश हैं कि उनमें जज्बा इस बात का है कि हर चुनौती से 2 हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं बुझते, इस उत्साह के साथ लोग इस ड्यूटी को अंजाम देने के लिए तैयार है। तो एडीजी डीसी सागर थे ये जो बता रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को लेकर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को तगड़ा किया जाएगा, किस तरीके से 17 से ज़्यादा आईपीएस अफसरों के अलावा 4000 से ज़्यादा पुलिस जवान सुरक्षा व्यवस्था को संभालेंगे। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मिश्रा के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 शहडोल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहडोल के पकरिया गांव आ रहे हैं और पकरिया गांव में पीएम मोदी कई सारे कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं। तैयारियां अंतिम चरण में चल रही हैं। पीएम मोदी जनजातीय समुदाय का सबसे चर्चित गेंडी और शैला कर्मा नृत्य भी देखेंगे। न्यूज 18 सबसे पहले आपको जनजातीय समुदाय का वो नृत्य दिखा रहा है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पकरिया गांव में जनजातीय समुदाय के कार्यक्रम में देखने वाले हैं। दरअसल जिला प्रशासन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की रिहर्सल में लगातार लगा हुआ है। जनजातीय समाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में बैगा नृत्य भी पेश करने वाला है। इसका नेतृत्व डिंडौरी के पद्मश्री सम्मानित अर्जुन सिंह ध्रुवे करेंगे। आपको ये भी बताएं कि शहडोल के लालपुर और पकरिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही आने वाले हैं और उन्हीं के दौरे को लेकर इतने खास इंतजाम, इतनी खास व्यवस्थाएं। ये नृत्य भी आप देखिए जो कि प्रधानमंत्री के सामने पेश किया जाएगा और उसके बाद यही वातावरण देने की कोशिश होगी जो कि यहां पर आम होता है। प्रधानमंत्री को इसी वातावरण से रूबरू कराने की कोशिश
बिल्कुल, जिस तरह से गांव में गतिविधियां चलती हैं उसी प्रकार से पीएम का स्वागत भी होगा, उसी पारंपरिक ढंग में, उसी संस्कृति की झलक इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री भी देख पाएंगे। साथ ही साथ आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देने के मद्देनजर भी ये कार्यक्रम बेहद ही खास है। हर एक पहलू आपने समझा, किस तरह से स्वागत होना है, किस तरह का नृत्य होगा, मेन्यू में क्या क्या होगा, अधिकारी किस तरह से मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद। सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। अनुराग, सारी रिपोर्ट हमने आपकी देखी, हर किसी से आपने बातचीत की, किस तरह से पीएम का स्वागत होगा, क्या मेन्यू में होगा, बहुत खास लग रहा है ये कार्यक्रम। मुझे लगता है कि तस्वीरें बहुत अनूठी होने वाली हैं। बिल्कुल, देखिए अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 घंटे से ज्यादा शेड्यूल में बिताने वाले हैं। 2 अलग अलग कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे, लेकिन इन 2 अलग अलग कार्यक्रमों में भी पीएम मोदी कई तरह के लोगों के साथ संवाद करेंगे। अलग अलग ग्रुप जो बनाए गए हैं उनके साथ पीएम मोदी की चर्चा होगी। आयुष्मान कार्ड का तो वितरण वो करेंगे, सिकल सेल अनिमिया पोर्टल की लॉन्चिंग वो जरूर करेंगे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने वाला है वो पकरिया गांव में होने वाला है। और इस गांव की खासियत है कि यहां पर गोंड कोल जाति के जो आदिवासी समुदाय हैं उनके परिवार यहां पर रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पीएम मोदी सबसे ज्यादा समय इन्हीं आदिवासियों के बीच बिताने वाले हैं। जो खाट लगाए गए हैं, जो खटिया लगाई गई हैं, 165 खाट लगाए गए हैं जिसमें पीएम मोदी अलग अलग समूह से सीधा संवाद करेंगे। तो जो स्व सहायता समूह होंगे उनके सदस्यों के साथ जो पैसा एक्ट जो लागू किया गया उसकी जो समितियां बनाई गई हैं उसके सदस्यों के साथ पीएम मोदी की चर्चा होगी। इसके अलावा जो फुटबॉल खिलाड़ी हैं जो आदिवासी क्षेत्रों से आते हैं उन खिलाड़ियों से भी पीएम मोदी की ये चर्चा रहने वाली है। और सिर्फ इतना ही नहीं, पीएम मोदी आदिवासियों के साथ जमीन पर बैठकर आदिवासी भोजन का भी लुत्फ लेने का काम करेंगे। तो 4 घंटे का ये पूरा का पूरा कार्यक्रम है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये पीएम मोदी का कार्यक्रम आयोजित रहने वाला और कई मायनों में ये पूरा का पूरा आयोजन महत्वपूर्ण होगा निश्चित तौर पर। और जिस तरह की तस्वीरें, जिस तरह की तैयारियां हम अनुराग देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं अंदाजा इस और भी कि जब भी प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे बहुत खुश होंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल तो लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखाते आ रहे हैं किस तरह से मेगा आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शहडोल दौरे को लेकर किया जा रहा है। एक तरफ नृत्य की व्यवस्थाएं, साथ ही साथ तमाम ऐसे चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में 4 चांद जुड़ जाएंगे। इस बात का कोई भी संशय अब नजर नहीं आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खटिया चौपाल के साथ मन की बात, आसपास के ग्रामीणों से चर्चा, साथ बैठकर भोजन करने वाले हैं, नृत्य भी देखेंगे, साथ ही साथ सांस्कृतिक और पारंपरिक ढंग से जब स्वागत होगा तो प्रधानमंत्री निश्चित तौर पर इन तस्वीरों को देखकर बहुत खुश होंगे, क्योंकि जब जब धरातल पर जुड़ाव के लिए प्रधानमंत्री निकलते इसी तरह की तस्वीरें सामने आती। और इधर पीएम मोदी शहडोल में राष्ट्रीय सिकल सेल अनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत भी करने जा रहे हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसने देश के 17 राज्यों में रहने वाले लगभग 7 करोड़ से ज्यादा आदिवासी आबादी को अपना शिकार बनाया है। बड़ी आबादी को इस बीमारी से बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्तर पर सिकल सेल अनीमिया मिशन 2047 की शुरुआत करेंगे और इस मौके पर आदिवासी परंपरा के साथ साथ पीएम का स्वागत भी जोरदार होना है। शहडोल से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के आगाज की तैयारी पूरी हो चुकी है। पीएम मोदी राष्ट्रीय स्तर पर सिकल सेल एनीमिया मिशन की शुरुआत करने वाले हैं। इस मिशन के तहत 2047 तक देश को सिकल सेल एनीमिया बीमारी से मुक्त करने का टारगेट है। सिकल सेल एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसने देश के 17 राज्यों में रहने वाले लगभग 7 करोड़ से अधिक आदिवासी आबादी को अपना शिकार बना रखा है। सिकल सेल एनीमिया एक जेनेटिक बीमारी है, यानी कि माता पिता से बच्चों में आसानी से हो सकती है। इस बीमारी में रेड ब्लड सेल्स सही से काम नहीं कर पाती और पूरे शरीर में खून की कमी होने लगती है, जिस वजह से एनीमिया की बीमारी हो जाती है। इस बीमारी को समाप्त करने के लिए सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन मील का पत्थर साबित होगा। शेड्यूल में पीएम मोदी इस अहम मिशन की शुरुआत करने वाले हैं, इसके लिए बड़ी तैयारियां भी हैं। इस कार्यक्रम के दौरान आदिवासी संस्कृति की झलक भी दिखेंगे। शेड्यूल के पकरिया गांव में पीएम मोदी ठेठ देसी अंदाज में खटिया चौपाल लगाएंगे। पीएम मोदी का स्वागत बैगा आदिवासी नृत्य के साथ किया जाएगा।
पीएम यहां आदिवासी ग्रामीणों के साथ जमीन पर बैठकर पारंपरिक तरीके से भोजन भी करेंगे। पकरिया गांव में पीएम मोदी की चौपाल लगेगी। आम के पेड़ के नीचे पीएम मोदी देसी अंदाज में आदिवासी स्वयं सहायता समूह पेसा एक्ट समिति के सदस्यों फुटबॉल क्रांति अभियान के सदस्यों से चर्चा भी करेंगे। केंद्रीय बजट 2023 में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की घोषणा की गई थी। ये मिशन अलग अलग राज्यों के 278 जिलों में लागू किया जाएगा। शहडोल से सौरभ पांडे के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए न्यूज 18।